हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन क्रोशेट डीआईवाई। आज के इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा ये स्कार्फ लेकर के आई हूँ, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है तो क्रोशे से बने हुए स्कार्फ काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। बहुत ही आसान सा ये पैटर्न है, बहुत ही आसान सा डिजाइन है। इसमें बहुत ही सिंपल सा हमने पैटर्न यूज किया हुआ है, जिसमें एक सेल्फ स्टिच बनती है प्लस ये डबल क्रोशे होता है। और इसको बनाने के लिए मैंने 4-ply यार्न लिया हुआ है, ये मेरा वर्धमान का यार्न है, प्लस इसके साथ मैंने 4 mm का मेरा क्रोशे हुक है जो मैंने यूज किया हुआ है इसको बनाने के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे का यूज किया हुआ है, तो इसका फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, तो आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने इस स्कार्फ को बनाने के लिए हमने 6-6 के मल्टीप्लीकेशन में चेन ली हुई है। डिजायर्ड लेंथ हमारी जितनी भी होगी उसमें हम 6-6 से हम इसको इंटू करेंगे। हम अपना पूरा डिजायर्ड लेंथ ले लेंगे और उसके बाद में 6-6 से होने के बाद हम लास्ट में 3 chain एक्स्ट्रा करेंगे और फिर बाद में हम 1-1 डबल क्रोशे अपने पूरी इस चेन में करेंगे। और फिर बाद में अब हम अपना यहाँ पर से पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 chain हम कर लेंगे। वर्क को अपने टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 1 और 2, ये देखिए 1, 2 डबल क्रोशेज हम लोग स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोग 1 और 2 डबल क्रोशेज स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर अपना एक पूरा क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर में हम लोग यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशेज कर रहे हैं, 1, 2, 3। ये 3 डबल क्रोशेज करने के बाद बीच में हम 1 chain करेंगे और फिर सेम स्पेस के अंदर ही हम लोग 3 डबल क्रोशे और करेंगे, 1, 2, 3। ये देखिए हमारा पूरा एक सेल यहाँ पे बन जाएगा, 3 डबल क्रोशे प्लस 1 chain प्लस 3 डबल क्रोशे। इसके बाद में हम फिर से यहाँ से 1, 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है इस तरीके से स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 chains, जो हमारी 3 chain ये 1 डबल क्रोशे काउंट होगी, फिर बाद में 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, 2 डबल क्रोशे स्किप करने के बाद थर्ड डबल क्रोशे के अंदर आएंगे, फिर हम अपना ये पूरा पैटर्न अपना जो हमारा पूरा ये सेल है इसको क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले 3 डबल क्रोशे किया है, फिर 1 single chain दिया है, फिर बाद में 3 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे स्किप किया है और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर हमने 1 डबल क्रोशे किया है। फिर यहाँ से 1, 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर आके फिर से अपने सेल क्रिएट करेंगे। तो 3 डबल क्रोशेज प्लस 1 chain प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। सेम स्पेस के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशेज। ये देखिए मेरा दूसरा सेल कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ से 1, 2 डबल क्रोशे को स्किप करेंगे, 1, 2 और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर हम फिर से 1 डबल क्रोशे करेंगे अपना। इसके बाद में हम फिर से यहाँ से 1, 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर आएंगे और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर आने के बाद फिर से यहाँ पे हम अपना पूरा एक सेल बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशेज प्लस सिंगल चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। इसके बाद में फिर से यहाँ से 1, 2 स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर आएंगे, थर्ड डबल क्रोशे के अंदर यहाँ पे हम फिर से 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ से 1, 2 स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे के अंदर आके हम फिर से अपने एक सेल क्रिएट करेंगे, 3 डबल क्रोशे प्लस सिंगल चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1, 2, 3। इसके बाद में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, ये जो हमारा 3 chain है इसके सबसे ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर हम अपने क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पे हम अपना एक डबल क्रोशे कर लेंगे। अब इसके बाद में फिर से 1, 2, 3 chain करके अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर टर्न करने के बाद ये जो हमारा 1 chain स्पेस है इसके अंदर हम अपना सेल बनाएंगे। तो सेल बनाने के लिए सबसे पहले 3 डबल क्रोशेज सेम स्पेस के अंदर, फिर 1 chain और फिर सेम स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे और फिर बाद में ये जो हमारा डबल क्रोशे है अब हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। तो ये जो डबल क्रोशे है इसके अंदर से हम इस तरीके से क्रोशे हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे और फिर बाद में ये जो सिंगल चेन स्पेस है इसके अंदर फिर से हम अपना सेल क्रिएट करेंगे।
1 2 3 डबल क्रोशे प्लस सिंगल चेन प्लस 3 डबल क्रोशे 1 3। इसके बाद में ये जो हमारा 1 डबल क्रोशे है, हर 1 डबल क्रोशे में हम फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, देखिए। और उसके बाद में फिर से सिंगल चेन के अंदर आएंगे, और सिंगल चेन के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम अपना सेल क्रिएट करेंगे। 1 2 3 सिंगल चेन, फिर 1 2 एंड 3। ये देखिए पूरा सेल क्रिएट करने के बाद फिर ये जो डबल क्रोशे है इसमें हम फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, और फिर अपना सेल पूरा क्रिएट करेंगे सिंगल चेन के अंदर आके। 3 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, तो 3 चेन, 3 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। अब इसके बाद ये जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशे है यहाँ पे हम लोग फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रंट पोस्ट करने के लिए ये जो हमारा चेन है इसके अंदर से क्रोशे को इस तरीके से डालेंगे, धागे को ग्रैब करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पैटर्न है उसने देखिए थोड़ा थोड़ा सेप लेना स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे 1 2 और 3 चेन करेंगे, वर्क टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो सिंगल चेन है इसके अंदर हम अपना सेल बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। और अब देखिए ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, अब हम यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हमको रिब का उठा हुआ जो पैटर्न है ये हमको आगे साइड को चाहिए, इसलिए अब हम यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। तो क्रोशे हुक को उल्टी साइड से लेकर के जाएंगे, देखिए इस तरीके से। ये जो हमारा क्रोशे हुक है इसको हम ऐसे बैक से लेके जाएंगे, धागे को ग्रैप करेंगे, और यहाँ पे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद सेल के अंदर आएंगे, तो जहाँ पे हमारा सिंगल चेन स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे का पूरा पैटर्न यहाँ पे रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे प्लस सिंगल चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। और उसके बाद में फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे। जब हम इसका बैक साइड से जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे, और जब हम फ्रंट साइड से करेंगे तो हम इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। तब जो हमारा रिबिंग पैटर्न है वो आगे साइड को हमारा उभार में आएगा। सिंगल चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2, फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे हम। और उसके बाद में फिर जहाँ पे फैन है वहाँ पे हमको अपना सॉरी जहाँ पे हमारा सेल स्टिच है वहाँ पे हमको सेल स्टिच करना है, और जहाँ पे हमारा डबल क्रोशे है वहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब हम फ्रंट साइड से करेंगे तो हमें फ्रंट पोस्ट करना है, और जब हमको बैक साइड से जब हम कर रहे हैं तो हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे करना है। देखिए हमारा पैटर्न पूरा बन के तैयार हो गया है। इसमें देखिए हमने नीचे जो डबल क्रोशे किया हुआ है, डबल क्रोशे की जो रो है ये जब हम ऊपर इसको बंद करेंगे अपनी पूरी लेंथ को लेने के बाद जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हर एक जो हमारा डबल क्रोशे है इन डबल क्रोशेज के ऊपर हमको 1 1 डबल क्रोशे कर लेना है, तो हमारा ये पूरा नीचे से इक्वल हो जाएगा। इसी पैटर्न को यूज करके देखिए मैंने पूरा अपना स्कार्फ बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था जब पूरी लेंथ हो जाएगी तो हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हमको यहाँ पे 1 1 डबल क्रोशे करना है, हर सिंगल के ऊपर हमें डबल 1 1 डबल क्रोशे कर लेना है। तो हमको हमारा जो ये जो एजेस हैं हमारे वो भी स्ट्रेट हो जाएंगे, और उसके बाद में आप चाहें तो इसमें टैसल लगा सकते हैं। ये टैसल का जो कंप्लीट वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें भी मैंने स्कार्फ बनाया हुआ था तो उसमें मैंने ये टैसल लगाए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। और इसको बनाते टाइम हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे, देखिए ये जो हमारा फ्रंट साइड है ये यहाँ पे फ्रंट साइड है वहाँ पे हमारा रिबिंग पैटर्न है, और जो बैक साइड है वहाँ पे देखिए एकदम प्लेन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब हम फ्रंट साइड करेंगे तो हमारा जो सिंगल डबल क्रोशे जो हम ले रहे हैं वो फ्रंट पोस्ट होगा, और बैक साइड को जब हम करेंगे तो वो बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा। तो इसलिए इसकी वजह से फिर ये अच्छा सा पूरा एक रिबिंग पैटर्न देगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। और अगर आप लोग इससे ये स्कार्फ बनाएं तो आप प्लीज़ इसे मेरे फेसबुक चैनल पे भी इसको शेयर कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का नाम है शगन क्रोशेट DIY। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। Thank you for watching and happy crocheting!